अध्याय सात, हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग सभ्यता। भौगोलिक विस्तार। सिंधु या हड़प्पा संस्कृति उन अनेक ताम्रपाषाण संस्कृतियों से पुरानी है जिनका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है, लेकिन यह उन संस्कृतियों से कहीं कहीं अधिक विकसित है। इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल में चला। सिंध के बहुत से स्थल प्राक हड़प्पीय संस्कृति का केंद्रीय क्षेत्र बने। परिणाम स्वरूप वह संस्कृति परिपक्व होकर सिंधु और पंजाब में शहरी सभ्यता के रूप में परिणत हुआ। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंधु और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,09,096 वर्ग किलोमीटर है। अतः यह क्षेत्र पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से ही निश्चय ही बड़ा है। ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्रताब्दी संसार भर में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र से बड़ा नहीं था। अब तक इस उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1500 स्थलों का पता लग चुका है। इनमें कुछ हड़प्पा संस्कृति के आरंभिक अवस्था के हैं, कुछ परिपक्व अवस्था के और कुछ उत्तर अवस्था के हैं, किंतु परिपक्व अवस्था वाले स्थलों की संख्या सीमित है। उनमें केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी जा सकती है। इनमें 2 सर्वाधिक महत्व के नगर थे, पंजाब में हड़प्पा, सिंध में मोहनजोदड़ो अर्थात प्रेतों का टीला। दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से 443 किलोमीटर दूर थे, सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा नगर सिंधु में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर के करीब दक्षिण में चंगुदड़ो स्थल पर था और चौथा नगर गुजरात में खंबात की खाड़ी के ऊपर लोथल स्थल पर था। पांचवा नगर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ व छठा नगर बनावली हरियाणा के हिसार जिले में था। कालीबंगा की तरह इसने भी 2 सांस्कृतिक अवस्थाएँ देखी, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन। कच्चे ईंटों के चबूतरों, सड़कों और मोरियों के अवशेष हड़प्पाकालीन हैं। इन 6 स्थलों पर परिपक्व और उन्नत हड़प्पा संस्कृति के प्रदर्शन होते हैं। सुतकांगडोर और सुरकोटदा के समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता है एक एक दुर्ग का होना। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित धोलावीरा में भी किला है। इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति की 3 अवस्थाएँ मिलती है। ये 3 अवस्थाएँ राखी गढ़ी में भी मिलती है जो घग्गर नदी पर हरियाणा में स्थित है और धोलावीरा से बड़ा है। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के कठियारवाड़, प्रायद्वीपीय, रंगपुर और रोजदी स्थलों पर पाई गई है। नगर योजना और संरचनाएँ। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी कि इसकी नगर योजना प्रणाली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने जहाँ शासक वर्ग लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकानों सामान्य लोग रहते थे। इन नगरों में भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जात ग्रीड की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। यह बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू थी चाहे छोटी हो या बड़ी। बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की विशेषता है। दूसरा तो भवनों में और भी समृद्ध है, उनके स्मारक बतलाते हैं कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह के परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर सामान्य लोगों को भी यह लगता होगा कि इनके शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानघर, जिसके जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह टीलों का स्थान का सुंदर उदाहरण है।
यह 11.88 किलोमीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा ढोल सिरों पर तलो तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई है। बगल के कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नान नगर का पक्की ईंटों का बना है। पास के कमरे में बड़ा बड़ा कुआं है। इससे पानी निकालकर हौज में पानी बहकर नाले में जाता था। बताया जाता है कि यह विशाल स्नानघर धर्म अनुष्ठान संबद्ध स्नान के लिए बनाया होगा, जो भारत में हर धार्मिक कर्मों में आवश्यक रहा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अनाज रखने का कठोर, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। पर हड़प्पा दुर्ग में 6 कोठार मील है, जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पातों में खड़े हैं। प्रत्येक कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है और नदी के किनारे से कुछ 1 मीटर की दूरी पर है। इन 12 इकाइयों का समूचा तल क्षेत्र लगभग 848 से 1025 वर्ग मीटर होता है, जो लगभग उतना ही होता है जितना मोहनजोदड़ो के कोठार का है। हड़प्पा के कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। स्पष्ट है कि इनका उपयोग फसल दाबने के काम में होता था, क्योंकि फर्श के दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी है, जो शायद मजदूरों को रहने के लिए बने थे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भागों में ईंटों के चबूतरे मिले हैं, जो शायद कोठारों के लिए बनाए गए होंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पके ईंटों का इस्तेमाल विशेष बात है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में धूप में सुखाए गए ईंटों का ही प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया में पकी ईंटों का प्रयोग मिला तो है, पर हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ऐसे ईंटों का प्रयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ है। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानघर होते थे। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता, जहां उनके नीचे मोरियां बनी हुई थी। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन मोरियों में नरमेखे मैन होल भी बने थे। सड़कों और मोरियों के अवशेष बनावली में भी मिले हैं। कुछ मिलाकर स्नान घरों और मोरियों की व्यवस्था अनोखी है। हड़प्पा की विकास प्रणाली तो और भी विलक्षण है। शायद कांस्य युग के दूसरे किसी भी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया, जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया। कृषि। सिंधु प्रदेश में आज पहले की अपेक्षा बहुत ही कम वर्षा होती है, इसलिए प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा। यहाँ के समृद्ध देहातों और शहरों को देखने से प्रकट होता है कि प्राचीन काल से यह प्रदेश खूब उपजाऊ था। संप्रति यहाँ केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा होती थी। ईसा पूर्व 4थी सदी में सिकंदर का एक इतिहासकार बताया गया है कि सिंध इस देश के उपजाऊ भागों में गिना जाता था। पूर्व काल में सिंध प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति संपदा अधिक थी, जिसके कारण यहाँ अधिक वर्षा होती थी। यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई जाती थी। लंबे अरसे तक खेती का विस्तार, बड़े पैमाने पर चराई और ईंधन के लिए लकड़ी की खपत होते रहने से यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति संपदा छीन होती गई। इस प्रदेश की उर्वरता का एक विशेष कारण शायद सिंधु नदी से हर साल आने वाली बाढ़ थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पकी ईंट की दीवारों से प्रकट होता है कि बाढ़ हर साल आती थी। सिंधु नदी के मिस्र के नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी और इसे बाढ़ वाले मैदान में छोड़ जाती थी। जैसे नील ने मिस्र का निर्माण और वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया, वैसे ही सिंधु नदी ने सिंध क्षेत्र का निर्माण और वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की अपनी अपनी फसल काट लेते थे। यहाँ और फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था में जो कूंद हल रेखा देखे गए हैं, उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल जोतने जाते थे। हड़प्पा लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। इस हल को आदमी खींचते थे, बैल, इस बात पर पता नहीं है। फसल काटने के लिए शायद पत्थर के हंसियों का प्रयोग होता था। गबर बंधों या नालों को बांधों से घेर कर जलाशय बनाने की परिपाटी बलूचिस्तान
और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों की विशेषता रही है, किंतु लगता है कि नहरों या नालों से सिंचाई की परिपाटी नहीं थी। हड़प्पा एक गाँव जो अधिकतर बाढ़ वाले मैदान में थे, प्रचुर अन्न उपजा लेते थे जो न केवल उनकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बल्कि खेती के काम के मतलब में न रखने वाले नागरिकवासी शिल्पियों, व्यापारियों, सामान्य नागरिकों की जरूरत पूरी करने के लिए भी पर्याप्त होता था। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। वे दो किस्म का जो गेहूँ और जौ उगाते थे, बनावली में मिला जो बढ़िया किस्म का है। इनके अलावा तिल और सरसों भी उपजाते थे। परंतु हड़प्पाकालीन लोथल में रहने वाले हड़प्पाइयों की स्थिति भिन्न रही। लगता है कि लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उपजाते थे, जिसका अवशेष वहाँ पाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में और शायद कालीमंगा में भी अनाज के बड़े बड़े कोठार मिले हैं। संभवतः किसानों से राशन के रूप में अनाज लिया जाता था और वह पारिश्रमिक चुकाने और संकट की घड़ियों में काम के लिए कोठारों में जमा किया जाता था। यह बात हम मेसोपोटामिया के नगरों के दृष्टांत से कह सकते हैं कि जहां मजदूरी में जो दिया जाता था, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु सभ्यता से निकला है। पशुपालन। कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। वे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर पालते थे। उन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवर में थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। वे गधे और ऊंट भी रखते थे और शायद इन पर बोझ ढोते थे। घोड़ों के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मूर्तिका से मिला है। गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोटड़ा में घोड़े के अवशेषों के मिलने की रिपोर्ट आई है और वे 2000 ईसा पूर्व के आसपास के बताए गए हैं, परंतु पहचान संदेहग्रस्त है। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पाई सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति के आरंभिक और परिपक्व अवस्था में ना तो घोड़े की हड्डियां और ना ही उसके प्रारूप मिले हैं। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था। वे गेंडे से भी परिचित थे। मेसोपोटामिया के समकालीन सुमेर के नगरों के लोग भी इन्हें लोगों की तरह अनाज पैदा करते थे और उनके पालतू पशु भी प्रायः वहीं से थे जो इनके थे, परंतु गुजरात में बसे हड़प्पाई लोग चावल उपजाते थे, हाथी पालते थे। यह दोनों बातें मेसोपोटामिया के नगर वासियों पर लागू नहीं होती हैं। शिल्प और तकनीकी ज्ञान। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की है। ये तो हम इस संस्कृति के लोग पत्थर के बहुत सारे औजारों और उपकरणों का प्रयोग करते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भी भलीभांति परिचित थे। सामान्यतः कांसे तांबे में टिल मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था, पर दोनों में एक भी धातु हड़प्पाई लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं था, इसलिए हड़प्पा में कांसे के औजार बहुत आयत नहीं मिलते हैं। अयस्कों की अशुद्धियों से लगता है कि वहाँ तांबा राजस्थान की क्षेत्रीय ताम्र खानों से मंगाया जा सकता था, हालांकि यह बलूचिस्तान में भी मंगाया जा सकता था। टीन शायद अफगानिस्तान से कठिनाई के साथ मंगाया जाता था। यद्यपि बताया गया है कि उसकी कुछ पुरानी खदानें हजारीबाग और बस्तर में पाई गई है, हड़प्पाई स्थलों में जो कि कांसे के औजार और हथियार मिले हैं उनमें टीन की मात्रा कम है, फिर भी ये कांसे की वस्तुएं छोड़ गए हैं, नग्न नहीं है। इन वस्तुओं से संकेत मिलता है कि हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कैसरो के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। वे प्रतिमाएँ और बर्तनों के साथ साथ कई तरह के औजार और हथियार भी बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी, आरी, छुरा और बर्छा। हड़प्पाई शहरों में कई अन्य महत्वपूर्ण शिल्प भी चलते थे। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा निकला है और कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। बुनकर ऊनी और सूती कपड़ा बुनते थे। ईंटों की विशाल इमारतें बताती है कि स्थापत्य महत्वपूर्ण शिल्प था। इससे रोजगारों के वर्ग के अस्तित्व, राजगिरी के वर्ग का अस्तित्व था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे, जैसा कि आगे बताया जाएगा। मिट्टी के मोहरे बनाना और मिट्टी के पुतलियां बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। हड़प्पाई कारीगर मनियों के निर्माण में भी निपुण थे। कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था और हड़प्पाई लोगों के मृत भांडों की अपनी खास विशेषताएं थी।
ये भांडों को चिकने और चमकीले बनाते थे। हिंदू सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों में पाए जाने से नहीं होती, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी के मोहरों, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तोलों के अस्तित्व में होती है। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता के क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि के व्यापार करते थे, लेकिन वे जो वस्तुएं बनाते थे उनके लिए अपेक्षित कच्चा माल उनके नगरों में उपलब्ध नहीं था। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभव है कि वे सारे आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते हों। अपने तैयार माल और संभवतः अनाज भी नावों और बैलगाड़ियों पर लाद कर पड़ोस के इलाकों में ले जाते और उन वस्तुओं को बदले धातुएं ले आते। वे अरब सागर के तट पर जहाजरानी करते थे। वे पहिया से प्रचलित थे और हड़प्पा में ठोस पहिया वाले गाड़ियां प्रचलित थी। लगता है कि हड़प्पाई लोग किसी न किसी प्रकार के आज के इक्के का इस्तेमाल करने पर उनमें आरेदार पहिए नहीं थे। हड़प्पाई लोग का व्यापारिक संबंध राजस्थान में एक क्षेत्र से था और अफगानिस्तान और ईरान से भी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वन्य बस्तियाँ स्थापित की थी, जिसके सहारे उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ साथ चलता रहा। उनके नगरों का व्यापार दजला फरात प्रदेश के नगरों के साथ चलता था। बहुत ही हड़प्पाई मोहरे मेसोपोटामिया की खुदाई में निकले हैं और प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामिया नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। हड़प्पाई लोगों ने लाजवाद, मणि, लापिस, लाजूती, लाजूली का सुदूर व्यापार चलाया था। अवश्य इस मणि से शासक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती होगी। 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा की। मेलुहा सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है, दिलमन और मकन। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में है। दिलमन की पहचान शायद भारत की खाड़ी के बेहतरीन बहरीन से की जा सकती है। उस बंदरगाह नगर में हजारों कब्र खुदाई का इंतजाम कर रही है। हमें हड़प्पाई के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, किंतु यदि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रीय सत्ता के बिना संभव नहीं हुई होगी। यदि हड़प्पाई संस्कृति आंचल को राजनीतिक आंचल भी समझ जाए तो इस उपमहादेश में मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी, पर इकाई की अद्भुत दृढ़ता इससे स्पष्ट हो जाती है कि यह लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया जाता, किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक भवन नहीं मिला जिसका आप अपवाद विशाल स्नानघर हो सकता है जिसका उपयोग नहाने धोने, शुद्धि या सफाई के लिए किया जाता होगा। हड़प्पा अंचल में धार्मिक विश्वासों और औजारों में एकरूपता नहीं था, इसलिए यह सोचना गलत होगा कि हड़प्पा के में पुरोहित का वैसा ही शासन था जैसा कि निचले मेसोपोटामिया के नगरों में था। ऐसा संकेत मिलता है कि उत्तर हड़प्पाई अवस्था में गुजरात के लोग लोथल में शायद अग्नि पूजा की परंपरा चली, किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। शायद हड़प्पाई शासकों को ध्यान विजय की ओर दिलाने के लिए शायद हड़प्पाई शासकों की ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर, और हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक के वर्ग के हाथ में था। ध्यान रहे कि सिंधु सभ्यता में अन्य अस्त्र शास्त्र का अभाव है। गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंधी पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती की उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी के देव आइसिस की पूजा करते थे। लेकिन हड़प्पाई लोग मिस्रवासियों की तरह मात्र सत्तात्मक थे या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मिस्र में राज या संपत्ति का उत्तराधिकार कन्या को मिलता था, किंतु हड़प्पा समाज में उत्तराधिकार का स्वरूप क्या था हमें ज्ञात नहीं है। कुछ वैदिक सूक्तों में पृथ्वी माता की माता की स्तुति है, किंतु उसको कोई प्रमुखता नहीं दी गई है। सुदीर्घकालीन बाद ही हिंदू धर्म में इस मात्र देवी को उच्च स्थान मिला है। ईसा की 6वीं सदी और उसके बाद से ही दुर्गा, अम्बा, काली, चंडी आदि विविध मात्र देवियों के पुराणों और तंत्रों में आराध्य देवियों का स्थान मिला है। काल क्रमेण प्रत्येक गांव की अपनी अपनी अलग देवी हो गई। सिंधु घाटी के पुरुष देवता एक मुहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सिंह है। वह एक योगी के ध्यान मुद्रा में एक टांगे पर दूसरी टांगे डाले बैठा है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ
एक गेंडा है, आसन के नीचे एक भैंस है और पांवों पर दो हिरन है, मुहर पर चित्रित देवता की पशुपति पशुपति महादेव बतलाया जाता है। पर यह संदेह लगता है क्योंकि सिंह वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी पाए गए हैं। निसंदेह लेक पूजा का भी प्रचलन पाते हैं जो कालांतर से शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गई थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। संभवतः ये पूजा के लिए बने ऋग्वेद में लिंग पूजा का निवास जातियों की है। लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और चलकर हिंदू समाज में पूजा का विशिष्ट मानी जाने लगी। वृक्ष और पशुओं की पूजा क्षेत्र सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष की पूजा करते थे। एक मुहर पर पीपल की डाली के भी विराजमान देवता चित्रित थे। इस वृक्ष का पूजा आज तक जारी है। हड़प्पा काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था। कई पशु मुहरों पर अंकित है। इनमें सबसे महत्व का है सींग वाला जानवर जो गेंडा हो सकता है। इसके बाद महत्व का है कबुड़ वाला सांड। आज भी जब ऐसा सांड बाजार की गलियों से चलता है तो धर्मात्मा हिंदू इसे रास्ता दे देते हैं। और इस तरह सींग वाले देवता के चतुर्दिक पशुओं की उपस्थिति से प्रकट होता है कि उनकी भी पूजा होती है। इस बात से स्पष्ट होता है कि सिंधु प्रदेश के निवासी क्षेत्र पशु और मानव के रूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु वे अपने अपने देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे जैसा कि प्राचीन मिस्र मेसोपोटामिया में बनाया जाता था। धर्म अपसाधना सूचक वस्तुओं के रहने के लिए रहते हुए भी हड़प्पा के नगरीकरण को धर्म से जोड़ना ठीक ना होगा। जो बात कांस्य युग के अन्य नगरीय समाजों पर भी लागू होती है, जब तक सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जाती तब तक हड़प्पाई लोग के धार्मिक विश्वासों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तावीज़ बड़ी तादाद में मिले हैं। शायद हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं और इसलिए उनसे बचने के लिए तावीज़ बांधते थे। आर्यतर परंपरा से संबंध माने जाने वाले अथर्ववेद में उनको अनेक तंत्र मंत्र जादू टोने दिए गए हैं और रोगों का तथा भूत प्रेतों के भगाने के लिए तावीज़ बताए गए हैं। हड़प्पाई लिपि। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह हड़प्पाई लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया। यद्यपि हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। कुछ लोग इसे द्रविड़ या आद्र द्रविड़ भाषा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग संस्कृत थे तो कुछ लोग सुमेरी भाषा में, परंतु इन पठनों में से कोई भी संतोषप्रद नहीं है। लिपि ना पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोग का क्या योगदान रहा कुछ नहीं कहा जा सकता। हम उनके विचारों और विश्वासों के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4,000 नमूने हैं। हड़प्पाई के अभिलेख उतने लंबे लंबे नहीं हैं जितने मिस्री और मेसोपोटामिया के हैं। अधिकांश अभिलेख मोहरों पर है और हर एक में दो चार ही शब्द है। इन मोहरों का प्रयोग धनाढ्य लोग अपनी निजी संपत्ति के चिन्हित करने और पहचान के लिए करते होंगे। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्राक्षर है और चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि या भाव या वस्तु का सूचक है। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं है बल्कि मुख्यतः चित्रितात्मक है। मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन लिपियों के साथ इसकी तुलना करने का प्रयास किए गए हैं, परंतु यह तो सिंधु प्रदेश का आविष्कार है और पश्चिम एशिया की लिपियों से इसका कोई संबंध दिखाई नहीं देता। माप तौल। लिपि का ज्ञान हो जाने से निजी संपत्ति का लेखा जोखा रखना आसान हो गया। सिंधु क्षेत्र के नगरवासियों को व्यापार और अन्य आदान प्रदान में माप तौल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। बाढ़ के रूप में व्यवहार बहुत से वस्तुएं पाई गई है। उनसे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640। दिलचस्प बात यह है कि 16 के अनुपात की यह परंपरा भारत में आधुनिक काल तक चलती रही। हाल तक 1 रुपया 16 आने का होता था। हड़प्पा लोग मापना भी जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। इनमें से एक डंडा कांसे का भी है। मृदभांड। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे। उनके अनेक बर्तनों पर विभिन्न रंगों की चित्रकारी देखने को मिलती है। हड़प्पा भांडों पर आमतौर पर वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ मिलती हैं। कुछ ठीकरों पर मनुष्य की आकृतियाँ भी दिखाई देती हैं। मोहरे। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं उनकी मोहरे। अब तक लगभग 2500 शिले प्राप्त हुई है। इनमें से अधिकांश शिलों पर लघु लेखों के साथ साथ एक संगी जानवर भैंस बाघ बकरी और हाथी की आकृतियाँ उकेरी हुई है। हड़प्पाई शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते थे। कांसे के नर्तकी उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। पूरी मूर्ति गले में पड़ा
पड़ेहार के अलावा एकदम नग्न है। कुछ हड़प्पा प्रस्तर प्रतिमाएं मिली है। सेल खड़े की एक मूर्ति के बाएं कंधे तथा हाथ के नीचे अलंकृत वस्त्र है और सिर के पीछे उसके बालों की छोटी लटे एक बुनी हुई पट्टिका द्वारा सवारी गई है। हिंदू प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तिकाएँ मिली है। इनका प्रयोग या तो खिलौने के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था। इनमें पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और अंदर की प्रकृतियाँ मिलती हैं। पुरुषों और स्त्रियों की प्रकृतियाँ भी मिली है, जिनमें पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक है। जहाँ मुहर और प्रतिमाएँ मंजी दक्षता के साथ बनाई गई है, वहीं ये मूर्ण मूर्तियाँ बहुत ही हसरत बहुत ही सरल कलाकृतियाँ हैं। इन दोनों कोटियों के शिल्पी के बीच जो अंतर है, वह इसका इस्तेमाल करने वाले वर्गों के बीच का अंतर सूचक है। प्रथम कोटि के कलाकृतियों का उपयोग या उच्च वर्ग के लोगों में होता था। द्वितीय कोटि पर जन सामान्य में प्रस्तर शिल्प में हड़प्पा संस्कृति पिछड़ी हुई थी। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ हम कोई महान प्रस्तर प्रतिमा नहीं पाते। उद्भव, उत्थान और अवसान। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व छोटे मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। लगता है अपने अस्तित्व की पूरी अवधि पर यह संस्कृति एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों और घरों का प्रयोग करते रही। सारी जीवन पद्धति में एक रूपता बनी रही। वही नगर योजना, वही मुहरे, वही मूर्तियाँ और वही लंबे लंबे चार्ट फलक दिखाई देते रहे। लेकिन इस अपरिवर्तनीयता पर बहुत अधिक जोर देना ठीक नहीं होगा। हम मोहनजोदड़ो के मृदभांड कला के समय समय पर परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर इस संस्कृति के दो महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए। लेकिन अन्य स्थानों से हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे छीन हुई और छीन होते होते गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रही। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जानना जितना कठिन है, उतना ही कठिन उसका अंत जानना है। कई हड़प्पा पूर्व बस्तियों के अवशेष पाकिस्तान के निचले सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में तथा राजस्थान के कालीबंगा में मिले। हड़प्पा पूर्व किसान उत्तर गुजरात के नागवाड़ा में भी रहते थे, परंतु जिस तरह के इन देसी बस्तियों से परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की उद्भव हुई, यह बात स्पष्ट नहीं है। ना ही हमें इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि इस उपमहाद्वीप के हड़प्पाई नगरों के पनपने में किसी बाहरी प्रभाव का हाथ था। हो सकता है कि हड़प्पा की शहरी संस्कृति के विकास में मेसोपोटामिया के नगरों को कुछ प्रेरणा मिली हो, परंतु हड़प्पा संस्कृति देसी ढंग से थी, इस बात की कोई शंका नहीं है। इससे कोई ऐसे तत्व हैं जो इसे पश्चिम एशिया की समकालीन संस्कृतियों से पृथक करते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना जाल पद्धति की है और इसमें सड़कें, नलियाँ और मलकुंडों की अच्छी व्यवस्था है। दूसरी ओर मेसोपोटामिया के नगरों की बेतरतीब बढ़ते जाने वाली प्रवृत्ति देखी जाती है। हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान आयताकार है, जिनका पक्का स्नानघर, सीढ़ी दार कुआं संलग्न है। पश्चिम एशिया के नगरों में इस तरह की नगर योजना नहीं पाई गई है। संभवतः कीर द्वीप के नौसज नगर को छोड़ प्राचीन युग के किसी भी अन्य नगर में जल विकास का ऐसा उत्तम प्रबंध देखने को नहीं मिलता। हड़प्पाई लोगों ने पकी ईंटों का इस्तेमाल में जिस कौशल का परिचय दिया, वैसा पश्चिम एशिया वाले नहीं दे पाए। हड़प्पाई के मृदभांडों और उनकी मोहरों अपने खास ढंग की है और इन पर अंकित पशु मंडल स्थानीय हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी खास लिपि बनाई, जिसका मिस्र मेसोपोटामिया की लिपि से कोई समय साम्य नहीं है। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति थी, तथापि इसमें कांसे का उपयोग सीमित हुआ और ज़्यादातर पत्थर के औजार ही चलते रहे। अंत में हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र जितना विशाल था, उतना विशाल और किसी भी समकालीन संस्कृति का नहीं था। हड़प्पा नगर की संरचना 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है और इस तरह कांस्य युग में अपने ढंगे की बृहत्तम संरचनाओं में आती है। अभी तक हड़प्पा जैसा नगर विस्तार अन्यंत्र कहीं भी देखने को नहीं मिला। मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताएं तो 1900 ईसा पूर्व के बाद भी टिकी रही। हड़प्पा की नगर संस्कृति लगभग उसी समय लुप्त हो गई। इसके बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 3000 ईसा पूर्व के आसपास तनिक से बढ़ी और फिर ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के आरंभ में भाग कम हो गया। इससे खेती और पशुपालन पर बुरा असर पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता घटती गई, इसी से सिंध सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा मत यह है कि जमीन धस गई या ऊपर उड़ गई, जिससे इसमें बाढ़ का पानी जमा हो गया। भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा बदल गई, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो का पृष्ठ प्रदेश वीरान हो गया। यह भी मत है कि हड़प्पा संस्कृति का आर्यों ने नष्ट किया, इसका साक्ष्य बहुत कम है। कांस्य युग के इस विशालतम संस्कृति सत्ता के विघटन के परिणाम का क्या क्या हुए, यह भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ। हम नहीं जानते हैं कि क्या नगर के उजड़ जाने से वाणिज्य और शिल्पी लोग देहात और
और चले जाएंगे यार वहाँ वहाँ हड़प्पा के तकनीकी कौशल को फैलाया। हमें सिंधु पंजाब और हरियाणा के नागरिकोत्तर काल की स्थिति के बारे में काफ़ी जानकारी नहीं है। सिंधु क्षेत्र के भीतर हमें खेतिहारों की बस्तियों तो पाते हैं, लेकिन पूर्व काल की संस्कृतियों के साथ उनका संबंध स्पष्ट नहीं होता। हमें यह स्पष्ट और पर्याप्त जानकारी की अपेक्षा है। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर व्यवस्था। हड़प्पा संस्कृति शायद 1900 ईसा पूर्व तक जीती जागती रही। बाद में इसकी नागरिक अवस्था लुप्त सी हो गई। इसके परिचायक थे सुव्यवस्थित नगर निवेश, व्यापक ईंट संरचनाएं, लिखने की कला, मानक बाट माप, दुर्ग नगर और निम्न स्तरीय शहरों के बीच अंतर, कांसे के औजार का इस्तेमाल और काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड का निर्माण। इसकी शरीनता, एकरूपता, समानता हो और शैली में भारी विविधता आ गई। नागरिकोत्तर हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण पाकिस्तान में, मध्य एवं पश्चिमी भारत में तथा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देते हैं। इनका काल मोटे तौर पर 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। पहले इस संस्कृति को हड़प्पोत्तर बतलाया जाता था, पर अब उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से अधिक जाना जाता है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति मूलतः ताम्र पाषाणिक है, जिन्हें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। इनमें धातु के ऐसे ही उपकरण बनते थे जिनकी ढलाई आसान है। फिर भी कुल्हाड़ी, छेनी, कंगन एवं मसूरा, अस्तूरा, बांसुरी और बर्छा मिलते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग हड़प्पा संस्कृति की उत्तर अवस्था में गाँव में बस गए और खेती, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़न का धंधा करने लगे। शायद देहातों में धातु संबंधी तकनीकी जानकारी के फैलने के बाद से खेती करने और बस्तियां बनाने में सहूलियत हुई। गुजरात के प्रभास, पाटन और रंगपुर जैसे कुछ स्थान तो हड़प्पा संस्कृति के मानो और सपुत्र है, किंतु उदयपुर के निकटवर्ती शहरों में हड़प्पाई तत्व कुछ एक ही पाए जाते हैं, जिनमें जो आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र जैसा लगता है, ईंटों की संरचनाएं भी मिली है, जिन्हें मोटे तौर पर 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है। यह पकाई हुई ईंटों के मिलने की खबर भगवानपुरा के उत्तर हड़प्पाई अवस्था के बारे में भी दी गई है। ईंट पर ईंट वाले स्तर का काल निर्धारण संदेशपद है। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बुलंदशहर जिले के काल लाल किला और गैरिक मृदभान ओसी स्थल पर चंद ईंटें मिली है। फिर भी हड़प्पाई तत्व का प्रभाव मालवा की उस ताम्रपाषाण संस्कृति पर, जिसकी सबसे बड़ी बस्ती नवदा टोली में है, बहुत कम है। जोरवे स्थलों पर भी जो तापी, गोदावरी और भीमा की घाटी में पाए गए हैं, वैसी ही है। जोरवे बस्तियों में सबसे बड़ी है दैमाबाद की बस्तियां, जो करीब 22 हेक्टेयर में बसी है और जहाँ 4000 की आबादी हो सकती है। इसका स्वरूप आदि नगरी कहा जा सकता है, लेकिन अधिकांश जोरवे बस्तियाँ गाँव ही है। नागरिकोत्तर हड़प्पाई बस्तियां स्वाति घाटी में मिली है। यहां वे लोग पशुचारण के साथ साथ अच्छी खेती और पशुपालन भी करते थे। वे मंद चाल वाले चाक पर बने काला धूसर रोपदार मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ये मृदभांड ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी और उसके बाद के उन मृदभांडों से मिलता है जो उत्तर ईरान के पठार से प्राप्त हुए। स्वाति घाटी के निवासी भी चाक पर लाल पर काले रंग के वाले मृदभांड तैयार करते थे, जो आरंभिक नागरिकोत्तर काल के मृदभांडों से निकट संबंधी जताते हैं। इनसे प्रकट होता है कि हड़प्पा से संबंध नागरिकोत्तर संस्कृति से इनका संबंध था, इसलिए स्वाति घाटी का उत्तर हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर मान सकते हैं। भारत स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में भी कई उत्तर हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। इनमें जम्मू में मंडा, पंजाब में चंडीगढ़ संगोल, हरियाणा में दौलतपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हुलास उल्लेखनीय है। जान पड़ता है कि हड़प्पाई लोगों ने चावल की खेती तब शुरू की जब हरियाणा में दौलतपुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुलास पहुँचे। रागी उत्तर भारत के किसी भी हड़प्पा स्थल से अभी तक नहीं देखा गया है। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास भी उपजाते थे, जैसा कि हड़प्पा के मृदभांडों पर मिले कपड़ों के छापों से अनुमान लगाया जा सकता है। उत्तर और पूर्वी क्षेत्र के उत्तर हड़प्पा स्थलों में जो चिन्हित हड़प्पाई मृदभांड पाए गए हैं, उनमें आकृतियां अपेक्षाकृत सरल हो गई है। हालांकि कुछ नए पात्र प्रकार भी मिलते हैं। कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र प्रकार भगवानपुरा के चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर PGW अवशेषों से समृद्धित पाए गए हैं, लेकिन इससे काल में हड़प्पा समृद्धित पूर्व विघटना की अवस्था में आ चुकी प्रतीत होती है। उत्तर हड़प्पा अवस्था में लंबाई मापने की कोई वस्तु नहीं पाई गई। गुजरात में उत्तर काल में पत्थर के घनागार, बाट और पकी मिट्टी के पिंडिकाएँ नहीं मिलते हैं। आमतौर से सभी उत्तर हड़प्पा स्थलों में मानव मृतिकाओं और विशिष्टीय सूचक
त्रिचित्रकृतियों का अभाव है। यद्यपि गुजरात में वाग्दत्र प्रचलित हो चुका था, पर उत्तर भारत में यह चलता रहा। नगरीकोत्तर अवस्था में पहुंचने पर पश्चिम एशियाई केंद्रों से हड़प्पाइयों का व्यापार समाप्त हो गया। लाजवंत मणि, चार्ट, इंड्रोप मणि, कार्नेलियन ब्रीड तथा तांबे और कांसे से व्यापार वस्तुओं में या तो लुप्त हो चुके थे या विरल हो गए थे। यह सब स्वाभाविक था क्योंकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में उत्खनन अधिकांश उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल देहाती बस्तियां ही है। हड़प्पा संस्कृति के उत्तरकालीन अवस्थाओं में कुछ बाहरी और औजारों में निर्माण पाए गए हैं जिनसे यकीन मिलता है कि सिंधु घाटी में बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे। मोहनजोदड़ो के अंतिम अवस्था में असुरक्षा और अशांति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आभूषणों की निधियाँ स्थान स्थान पर गड़ी मिली है और एक स्थान पर आदमी की खोपड़ियाँ का ढेर मिला है। मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतहों पर कई किस्म की कुल्हाड़ियाँ, छुरी और पॉलिशदार और सपाट चूल वाली छुरियाँ मिली है। ये कुछ बाहरी आक्रमण के संकेत देते हैं। हड़प्पा की अंतिम अवस्था के कब्रिस्तान में नए लोगों के अवशेष मिले हैं जहाँ नवीनतम स्थलों पर नए प्रकार के मृदभांड हैं। नए प्रकार के मृदभांड बलूचिस्तान के कुछ स्थलों पर भी मिले हैं। पंजाब, हरियाणा के कई स्थलों पर लगभग 1200 ईसा पूर्व उत्तरकालीन हड़प्पा मृदभांडों के साथ साथ दूसर मृदभांड, गृह ओवर चित्र, दूसर मृदभांड पाए गए हैं जो आमतौर से वैदिक लोगों से जुड़े हैं। ये सारे काम उन अश्वरोही लोगों के हो सकते हैं जो ईरान अथवा दक्षिण मध्य एशिया से पहाड़ियों के रास्ते आए होंगे, लेकिन अधिकांश नए लोग पंजाब और सिंधु के हड़प्पाई नगरों के तहस नहस होने के बाद आए। यद्यपि वैदिक आर्य अधिकांशतः उसी सप्त सिंधु प्रदेश में बसे जहाँ एक समय हड़प्पा संस्कृति विराजमान थी, फिर भी हमें ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता कि सुदृढ़ हड़प्पाई और आर्यों के बीच कोई भारी संग्राम हुआ। 1500 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व के बीच उत्तर हड़प्पा संस्कृति के लोगों के साथ वैदिक संस्कृति वाले जत्थों का कहीं कहीं सामना हुआ होगा। अध्याय समाप्त।